सब्सक्राइब करें टेक्निकल गावित चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखें। हेलो गाइस, मैं आपका दोस्त आपको इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, क्या आप भी जानना चाहते हैं कि मैं पीछे का बैकग्राउंड किस तरह से चेंज करता हूं? तो वही आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि मैं पीछे का बैकग्राउंड किस तरह से चेंज करता हूं। तो स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, आपको समझ में आएगा कि किस तरह से मैं पीछे का बैकग्राउंड है वो किस तरह से चेंज करना है, वो स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो मैं सबसे पहले बता देता हूं कि मैं कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करता हूं। मैं काइन मास्टर ही यूज करता हूं। आप लोगों को मैंने पहले ही वीडियो में बता दिया है कि मैं सिर्फ काइन मास्टर का ही यूज़ करता हूँ और मोबाइल से ही एडिटिंग करता हूँ। तो मैं मोबाइल से ही एडिटिंग करके दिखाऊंगा पीछे की बैकग्राउंड है वो किस तरह से आप लोगों को चेंज करना है, वही आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ। तो हम चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर। तो दोस्तों, हम आ गए हैं यहाँ पर मोबाइल के स्क्रीन पर। तो हमें कहाँ क्लिक करना है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर बीच में क्लिक कर दीजिए। मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरह से ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर ये वाला और ये वाला और ये वाला इस ऑप्शन मिल जाता है। तो हमें कहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर 16.9 पर यहाँ पर क्लिक कर लीजिए। मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह से काइन मास्टर का ऐप ओपन हो जाता है, सॉफ्टवेयर ओपन हो जाता है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर मीडिया पर क्लिक कर लीजिए। यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बैकग्राउंड का नाम लिखा हुआ मिल जाता है हमें। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर बैकग्राउंड पर क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मुझे बैकग्राउंड मिल गए यहाँ पर। तो मैं यहाँ कौन से बैकग्राउंड रखने वाला हूँ, तो यहाँ पर मैं एक सिलेक्ट कर लेता हूँ कि बैकग्राउंड कौन सा रखे। तो मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पर बैकग्राउंड आ गया। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर क्लिक कर लीजिए, ये कुछ इस तरह से यहाँ पर क्लिक कर लीजिए। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद इसको बढ़ा दीजिए, यहाँ पर थोड़ा बढ़ा दीजिए। यहाँ पर मैं इस तरह से बढ़ा देता हूँ। तो यहाँ पर बढ़ाने के बाद कुछ इस तरह से बढ़ा दिया। तो यहाँ पर हमें किस तरह से बैकग्राउंड चेंज करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिए, कुछ इस तरह से हमारे पास पेज आ जाता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर लेयर पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर लेयर पर क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पर हमें क्या करना है, तो यहाँ पर क्लिक कर लीजिए, मीडिया पर क्लिक कर लीजिए। मैं यहाँ पर मीडिया पर क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ से मैं अपनी एक वीडियो उठा लेता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये मैं अपनी वीडियो उठा लिए, इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये वीडियो यहाँ पर आ जाती है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करके थोड़ा बड़ा कर लेना है। मैं यहाँ पर बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पर बड़ा कर लेने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ इस तरह से सेटिंग मिल जाती है, वो मैं सेटिंग करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर ऊपर निकल जाइए और यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर क्रोमा के पर आप भी क्लिक कर लीजिए। मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर क्लिक करके दिखाता हूँ। यहाँ पर ये क्रोमा के पर क्लिक कर लेना है और हमें कहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर इनेबल कर देना है। यहाँ पर मैं यहाँ पर इनेबल कर देता हूँ। तो यहाँ पर इनेबल हो चुका। यहाँ पर देख लीजिए, पीछे का बैकग्राउंड चेंज हो चुका है। तो यहाँ पर आपको सेटिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर कुछ इस तरह से दो ऑप्शन मिल जाते हैं, ये वाला एक और ये वाला एक, ये दोनों को आपको सेटिंग करना पड़ेगा। मैं इसको बढ़ाता हूँ थोड़ा, देख लीजिए ये कम कर दिया मैंने और यहाँ पर थोड़ा ये कुछ इस तरह से पेज कर दिया। देख लीजिए, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर पीछे का बैकग्राउंड जो है वो चेंज हो चुका है। यहाँ पर पहले कौन सा था, यहाँ पर देख लीजिए, मैं इसको इनेबल है, इसको ऑफ कर देता हूँ। यहाँ पर ऑफ करने के बाद जो मेरा ओरिजिनल बैकग्राउंड है वो दिख रहा है। और यहाँ पर इनेबल कर देता हूँ, इनेबल करने के बाद जो मैंने यहाँ पर बैकग्राउंड रखा है वो दिख रहा है और मैं आगे दिख रहा हूँ। तो इस तरह से आप यहाँ पर यानी बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। और ये इतना होने के बाद यहाँ पर क्लिक कर लीजिए, यहाँ पर क्लिक कर लीजिए और पीछे निकल जाइए। ये देख लीजिए किस तरह से यहाँ पर बैकग्राउंड चेंज हो चुका है दोस्तों। तो इस तरह से आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। तो उसके बाद आपको क्या करना है, बैकग्राउंड चेंज करने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक कर लेने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आप कम ज़्यादा साइज भी कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ इस तरह से ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ पर कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर जितनी ज़्यादा हाई रहेगी उतना वीडियो अच्छा दिखेगा, जितनी कम रहेगी उतना वीडियो लो क्वालिटी में आ जाएगा। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से कर लीजिए
आपके हिसाब से सेटिंग कर लीजिए। यहाँ पर एक्सपोर्ट पर क्लिक कर लीजिए। एक्सपोर्ट पर क्लिक करने के बाद ये आपके मेमोरी में यानी आपके मोबाइल में सेव हो जाएगा। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि किस तरह से हम वीडियो एडिटिंग करते हैं और पीछे का बैकग्राउंड हो वो किस तरह से चेंज करते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी या इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो। तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और दोस्तों को शेयर करना ताकि उन लोगों को भी पता चल सके कि काइन मास्टर से किस तरह से वीडियो एडिटिंग करते हैं और पीछे का बैकग्राउंड किस तरह से चेंज करते हैं। अगली वीडियो बहुत ही अच्छी आने वाली है, आपकी बहुत ही काम आने वाली है। ऐसी वीडियो में अगली वीडियो डालने वाला हूँ। तो इस टेक्निकल गावी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचना ही चाहिए। दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाले हैं बहुत ही जल्द। बाय।